एट लेसन मूर्खों की सूची। एक बार बादशाह अकबर ने मूर्खों की सूची तैयार करने का आदेश दिया और यहाँ का काम बिरबल को सौंपा। बिरबल ने काफ़ी परिश्रम करके मूर्खों की सूची बनानी शुरू की। इसी बीच घोड़ों का एक व्यापारी अच्छी नस्ल के घोड़े लेकर बादशाह अकबर के पास आया। बादशाह ने सारे घोड़े खरीद लिया और मुँह मांगी कीमत दे दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब वहाँ दूसरी बार दिल्ली आए तो और घोड़े ले आए। इनके लिए बादशाह ने उसे पेशगी रकम भी दे दी। अब तक बिरबल ने मूर्खों की सूची तैयार कर ली थी। उसने यहाँ सूची बादशाह को दी। उसमें पहला नाम बादशाह अकबर का ही था। यहाँ देखकर अकबर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। वहाँ बोला, बिरबल तुम्हारी यहाँ हिम्मत, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? बिरबल ने कहा, हुजूर एक अनजान व्यापारी से घोड़े खरीदने के लिए अपनी इतनी बड़ी रकम पेशगी दे दी, क्या यह मूर्खता नहीं है? आपके इसी कार्य को देखते हुए मैंने आपका नाम इस सूची में सबसे पहले लिखा है। अकबर को बीरबल की बात सही लगी। इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को इतनी बड़ी रकम पेशगी नहीं देनी चाहिए। यहाँ बात उनके ध्यान में आई। फिर भी उन्होंने दलील दी, लेकिन यदि वहाँ व्यापारी घोड़े लेकर लौटा तो? बीरबल बोला, तो उसके समान मूर्ख दूसरा कौन होगा? यदि वहाँ घोड़े लेकर यहाँ आ जाए तो आपका नाम सूची से निकाल दूंगा और वहाँ उस व्यापारी का नाम लिख दूंगा। जहाँपना, मूर्खों की इस सूची में मेरा नाम भी है। बादशाह ने पूछा, सूची में तुम्हारा नाम क्यों लिखा है? जहाँपना, मैंने मूर्खों को खोज खोज कर उनकी सूची बनाने में अपना कीमती समय खराब किया है, इसीलिए इतना कीमती समय दूसरे अच्छे कामों को करने में लगा सकता था। बादशाह ने भरे दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की।